नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 सालों में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अपने कामों के दम पर हमें उम्मीद है कि सरकार को फिर से मजबूत जनादेश मिलेगा। देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाई है। वहीं आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की, संरचनात्मक सुधारों, जनहितैषी कार्यक्रम और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने में मदद की। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पंच पंच प्राण ने अमृत काल के लिए मजबूत बुनियाद तैयार की है। हम 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय हमारी सरकार का मॉडल, गरीब महिला युवा अन्नदाता पर विशेष ध्यान है। पीएम स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लाभ मिला। पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभान्वित किया। मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई है। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने सही मायने में उन पर काबू पाया है। देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। सरकार ने GDP को गवर्नमेंट डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस का नया अर्थ दिया है। समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया है। जनधन खातों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इससे 2.7 करोड़ रुपए की बचत हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कदमों से इसे निर्धारित दायरे तक ले जाने में मदद मिली। वहीं अगले 5 साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा। उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार का GDP को अधिक व्यापक बनाने, बेहतर राजकाज, विकास और प्रदर्शन पर जोर है। वहीं 3 तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए 1/3 विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है। कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को घर मुहैया कराए गए हैं। 2 करोड़ नए घर भी बनवाए जाएंगे।